तो बच्चों आज हम क्लास 12th की जो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है ना, व्हाट डू वी कॉल द इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन देखें, अगर आप यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट्स से द फंक्शन fx a टू b, fx मेरा कोई फंक्शन है a से b में, जो मतलब जो रिलेशन जिसका बनाया, यानी fx a टू b मेरा कोई एक फंक्शन है, सच दैट fx इज इक्वल टू y, जिसमें क्या है, यानी ये x फंक्शन है, ये a फंक्शन है, और ये दो सेट है मेरे पास a और b, इन दोनों में एक रिलेशन बना है। ठीक है ना, उसको मैं फंक्शन नाम देता हूँ, जो a से b में हमारा एक फंक्शन है, a टू b मेरा एक फंक्शन है, जिसमें यहाँ पर कोई एलिमेंट x है ना, तो उसकी इमेज यहाँ पर y पर बनी है, तो मैं बोलूँगा fx इज इक्वल टू y, ये मेरा कोई फंक्शन होगा। ठीक है ना, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन, यदि वहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन gy फंक्शन होता है, gy फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक और फंक्शन है मेरा gy फंक्शन, ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है। gy फंक्शन में ऐसा है कि यहाँ पर gy फंक्शन जो है वो b से a में है, यानी ये सेट b है, ये a है, तो यहाँ पर जो y एलिमेंट होगा gy, उसकी इमेज कहाँ पर बनी है, x पे बनी है, यानी तो मैं बोलूँगा gy इज इक्वल टू x, है ना, यानी a फंक्शन था मेरे पास fx a टू b, जिसमें fx की इमेज y पे बनी थी, और दूसरा फंक्शन मेरा gy b टू a है, जिसमें gy की इमेज किस पे बनी है, x पे बनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि f और g एक दूसरे के उल्टे हैं, बिल्कुल है, तो आप कह सकते हैं कि g इज इक्वल्स टू f इनवर्स, g इज इक्वल टू क्या, g किसके इक्वल है, f का उल्टा है ना, g तो f ही का उल्टा है, तो आप बोलेंगे जो दूसरा फंक्शन g है ये f इनवर्स के बराबर है, तो g इज इक्वल टू f इनवर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका इनवर्स फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन टाइप्स के फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, और क्या कंडीशन होती है इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, यानी कब किसी फंक्शन का फलन का प्रतिलोम बनेगा, कब नहीं बनेगा, क्या उसकी कंडीशन है, और कौन से टाइप के फंक्शन है जिसका प्रतिलोम फलन बनता है, उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम फलन की बात करें, हमारे पास चार प्रकार के फलन है, फंक्शन है चार टाइप के, एक तो होता है 1-1, जिसका हम इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं, 1-1 इंजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में एक एक ही फलन बोलते हैं, ओके। दूसरा आपका है इसमें मैनी वन का मतलब आप समझ गए होंगे, मैनी वन मीन्स बहु एक एक ही, है ना। तीसरा है इसमें ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं, आच्छादक। और चौथा फंक्शन है इसमें इनटू। तो ये चार टाइप के फंक्शन होते हैं वैसे, ठीक है। तो एक एक करके पहले इन फंक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 1-1 फंक्शन किसको कहेंगे हम, 1-1 फंक्शन मतलब सपोज ए से बी, ये ए और बी दो मेरे सेट हैं, इन दोनों की आपस में मैपिंग हुई है ना, तो यहाँ ए के जितने एलिमेंट थे वो सेट बी में किसी ने बी के एक एलिमेंट से उनकी इमेज बनी है ना, सो टू की इमेज डी पे बनी है, थ्री की इमेज सी पे बनी है, तो इसका मतलब एफ वन की इमेज होगी तो कहाँ पर होगी, ए पे, तो मैं बोलूँगा F1 इज इक्वल्स टू ए और F2 इज इक्वल टू बी, यानी हर एलिमेंट की देखा आप अलग अलग इमेज है, 1 की भी अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, 4 की अलग है, 5, यानी सभी एलिमेंट सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे सबकी एक अलग अलग इमेज बनी है, तो इस फंक्शन को मैं बोलूँगा 1-1 फंक्शन, ठीक है ना। तो ये फंक्शन मेरा क्या होगा, 1-1, देखो एक एलिमेंट की एक इमेज है, मीन्स एवरी एलिमेंट इज हैविंग अ यूनिक इमेज इन द सेट बी, ओके। हर सेट के एक हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज है ना। देखो F1 इज इक्वल टू ए, F2, F1 इज इक्वल टू ए के साथ F1 इज इक्वल टू बी तो नहीं है ना, अलग अलग बी F2 की इमेज बनी है, ठीक है ना। ये फंक्शन को मैं बोलूँगा 1-1 फंक्शन। दूसरा फंक्शन हमारा, दूसरा टाइप का फंक्शन होता है मैनी 1। मैनी 1 में उल्टा हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, 1 की इमेज ए पर भी बनी है और 3 की इमेज बी पर, दो एलिमेंट, यानी अगर मैं बोलूँ इसमें F1 इज इक्वल टू बी ए है और अगर आप देखें तो F3 इज इक्वल टू बी ए ही आ रहा है, यानी दो एलिमेंट की एक इमेज बन गई, तो ये हो जाएगा many-to-1 फंक्शन हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे many-1 फंक्शन, ठीक हो गया। तीसरा टाइप का जो फंक्शन होता है हमारा ऑन-टू फंक्शन होता है। तो ऑन-टू फंक्शन और इन-टू फंक्शन को मैं दोनों को साथ साथ डिस्कस करना यहाँ पर चाहूँगा, ठीक है, ऑन-टू और इन-टू फंक्शन। तो देखो अगर यहाँ पर देखो, इसको मैं बोलता हूँ डोमेन, इसको हम बोलते हैं डोमेन फंक्शन का, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो इसमें दो चीज़ें होती है, कोडोमेन के जिन एलिमेंट पर इमेज बनी है उनको हम रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यहाँ पर मेरे कोडोमेन के कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे कोडोमेन के एलिमेंट हैं, यानी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ जो मेरा कोडोमेन है, कोडोमेन इसके एलिमेंट क्या क्या है मेरे, बहुत सारे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे कोडोमेन के एलिमेंट हैं, है ना। और
रेंज के एलिमेंट क्या क्या होंगे जिन पे इमेज बनी है, जैसे इन पे इमेज किस पे बनी है, ए पे बनी है, बी पे बनी है, सी डी ई और एफ, तो ये रेंज हो जाएगी। तो रेंज के एलिमेंट मेरे कौन कौन है, अगर मैं पूछूँ रेंज के एलिमेंट, तो रेंज के एलिमेंट में हो जाएंगे ए बी सी डी, है ना, डी ई और एफ, ये रेंज के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में देखो जो आपका जो रेंज है, है ना, जो रेंज है वो कोडोमेन का एक सेट है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रेंज है वो कोडोमेन से ही निकला है, यानी कोडोमेन के ही एलिमेंट से ही तो ये रेंज निकली है। तो रेंज आप कह सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रेंज है, समझ रहे हैं आप, जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। सो आई कैन से इट, जो मेरा रेंज है आर है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का, सी डी का। ठीक है, तो रेंज मेरा यहाँ पर कोडोमेन का सबसेट है। अगर मैं इस यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखो कोडोमेन के एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, यहाँ जितने एलिमेंट है कोडोमेन के एलिमेंट कराते हैं। रेंज के एलिमेंट कौन होंगे, जिन पे इमेज बनी है, जैसे ए पर भी बनी है, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, यानी सब पे इमेज भी बनी है। इसका मतलब यहाँ पर रेंज और कोडोमेन यानी सी डी जो है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल है ना, यानी हर कोई एलिमेंट की एक ना एक इमेज बनी, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, यानी रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल हो गया। तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा तो इस फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट है, यानी कोई एलिमेंट हमारे रेंज ये कोडोमेन में छूट गए हैं, जैसे जी और एच छूट गए हैं, तो रेंज मेरा कोडोमेन का सबसेट हो गया यहाँ पे। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, सॉरी इन टू फंक्शन। तो इन टू फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, जिसमें रेंज सबसेट होगा कोडोमेन का, और ऑन टू फंक्शन कौन होगा, जिसमें जो रेंज होगा वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है ना, सर्जेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। क्लियर है, अच्छा। अब देखो कोई फंक्शन वन वन भी है, यानी एक एलिमेंट की एक इमेज बनी है, और ऑन टू भी है, समझे आप, ऑन टू का मतलब कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, सबकी इमेज बन गई वहाँ जो अभी हमने किया। तो अगर वन वन भी वो फंक्शन है कोई फंक्शन, और वो फंक्शन आपका ऑन टू भी है, दोनों है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, एक है कि आच्छादक इसका नाम हो जाएगा, एक है कि आच्छादक। ठीक है ना, तो कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है, ये इंजेक्टिव है और ये सर्जेक्टिव है, यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों टाइप का फंक्शन है, तो वो फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इसी टाइप के फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी इन्वर्स केवल प्रतिलोम केवल उन्हीं फलनों का बनेगा जो वन वन भी होंगे और ऑन टू भी होंगे, है ना। वन वन मैंने अभी आपको बताया, वन वन मतलब लाइक ये वन वन ही है, यानी एक एलिमेंट की एक पर इमेज बनी है, यानी जो फलन वन वन भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू कौन सा हो जाएगा, ऑन टू, ये जो फलन ऑन टू भी है, ऑन टू का मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए। तो कोई फलन अगर वन वन भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब वो फलन क्या है आपका, बाइजेक्टिव फलन है। तो बाइजेक्टिव फलन जो होते हैं उन्हीं का प्रतिलोम बनता है, उन्हीं का इन्वर्स बनता है, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वर्स किन फलनों का, इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स बनता है या प्रतिलोम बनता है, तो आप बोल सकते हैं केवल और केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का प्रतिलोम बनता है। बाइजेक्टिव का मतलब वन वन और ऑन टू, क्लियर है। तो ये तो रही आपके किन फलन का इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करता है। अब सपोज मैं एक फलन लेता हूँ, मेरे पास एक फलन है जो कि क्या है, कॉस एक्स आर टू आर, आर मतलब रियल नंबर ना, तो कॉस एक्स आर टू आर मेरा कोई एक फलन है। ठीक है, अब क्या ये फलन वन वन है, बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पर देखो जीरो, अगर जीरो का मान करूँ मैं, कॉस जीरो का मान तो एक है, पाई कॉस पाई का मान करो वो भी एक है, यानी देखो दो एलिमेंट की एक इमेज बन गई है। जब दो एलिमेंट की एक इमेज बन जाती है तो इसका मतलब ये फलन वन वन नहीं है, यानी कॉस एक्स आर टू आर मेला एक वन वन फलन नहीं है। ऑन टू है या नहीं चेक करते हैं, तो वन वन नहीं होगा तो ऑन टू भी नहीं होगा, समझे ना आप, वन वन है ही नहीं तो ऑन टू भी कैसे होगा, कोई ना कोई एलिमेंट तो वहाँ छूट ही जाएगा। जैसे वन एलिमेंट की दो इमेज बन गई, देखो जीरो की भी और पाई की भी और भी सारे एलिमेंट हैं, जीरो हो गया, पाई हो गया, माइनस पाई हो गया, ये है ना माइनस पाई, तो इन सभी एलिमेंट की एक इमेज बन रही है वन, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया, वन वन नहीं है। तो अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो इसका इन्वर्स बनेगा, नहीं बनेगा, इसका इन्वर्स बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कोई फलन का इन्वर्स तभी बनता है जब वो फलन वन वन भी होता है, ऑन टू भी, दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फलन वन वन ही नहीं है, तो मतलब कॉस एक्स आर टू आर मेरा वन वन फलन नहीं है। अगर मुझे इसे इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे इसका जो ये डोमेन है इसको काटना पड़ेगा, ये डोमेन में से कुछ मुझे हिस्सा काट देना पड़ेगा। ऐसी इसी के साथ साथ मुझे कोडोमेन का भी कुछ हिस्सा काट देना पड़ेगा। तो कौन सा हिस्सा काटूंगा मैं, जहाँ पर मेरी एक वैल्यू आ रही है। सपोज मैं ये वाला हिस्सा पूरा काट दूँ, ये पूरा हिस्सा मैं काट दूँ, इसका इतना हिस्सा लेता हूँ मैं केवल यहाँ तक का, यानी कहाँ से, जीरो से लेके पाई तक का, ये जीरो से लेके पाई तक का हिस्सा ले रहा हूँ,
है ना। तो जीरो से लेके पाई तक का इसे देखें, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन रही है। जीरो की अलग इमेज बन रही है, पाई बाई टू की अलग इमेज और पाई की अलग इमेज बन रही है। यानी पाई की अगर माइनस वन है, देख रहे हैं आप, पाई की अगर माइनस वन है, जीरो की वन है, तो पाई बाई टू की जीरो है। यानी हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज। तो यानी इस रेंज में, यानी पूरे इस जगह में, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो हमारा कॉस एक्स फंक्शन है वो वन वन है। वन वन होगा तो ऑन टू भी होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बनी। तो इसका मुझे अगर रेंज कट करना, सॉरी डोमेन को कट करना पड़ेगा, तो डोमेन को कट करके कहाँ से कहाँ तक लिखूंगा मैं, जीरो टू पाई। तो जीरो टू पाई के लिए वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी मेरी, वहाँ पाई की माइनस वन और जीरो की वन, तो माइनस वन से वन तक ये मेरा रेंज हो जाएगी। तो ये मेरा अगर फलन ले लूँ मैं कॉस एक्स में, अगर इतना मान लो अब कॉस एक्स जीरो टू पाई माइनस वन टू वन, अब इस फलन का इन्वर्स मेरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फलन मेरा वन वन भी है और ऑन टू भी है। ये वाला फलन मेरा क्या है, अब वन वन भी बन गया और ऑन टू भी बन गया। अब देख रहे हैं आप, वन वन बन गया यहाँ तक, तो वन वहाँ तक में वन वन भी है और ऑन टू भी है, है ना। तो ये फलन मेरा वन वन भी बन गया, ऑन टू बन गया। तो अगर इसका मैं इन्वर्स लिखूँ तो आप लिखेंगे कॉस इन्वर्स एक्स। फलन कहाँ से कहाँ तक है आपका, यहाँ वाला लिखो माइनस वन टू वन, है ना, माइनस वन टू वन, ये उल्टा हो जाएगा उसका, स्विच कर जाएगा, जीरो टू पाई, ये इसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टे के ही तो इन्वर्स बोलते हैं हम, ये तो इसका उल्टा ये हो गया, यानी इसका उल्टा ये हो गया। तो ये कॉस इन्वर्स एक्स बन जाएगा। अगर कॉस एक्स आर टू आर का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप बोलोगे इसका इन्वर्स प्रतिलोम एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रतिलोम कब करेगा एग्जिस्ट, जब हम इसको थोड़ा इसका डोमेन और डोमेन को कोडोमेन को काटेंगे। काट के हमने इतना अलग कर लिया तो ये वाला हिस्सा मेरा इसका इन्वर्स बनता है, ये है इसका इन्वर्स, ठीक है। तो इसको हम इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर जो वैल्यू जीरो टू पाई आ रही है, ये जीरो टू पाई को ही हम बोलेंगे PVB, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान। तो कॉश इन्वर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है, जीरो टू पाई, ये आपको याद होना चाहिए। अब कॉस एक्स का मुख्य मान क्या होगा, कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य मान होता है जीरो टू पाई, ये आपका मुख्य मान अब आपको याद होने चाहिए, क्लियर है। तो कुछ मुख्य मान की टेबल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे साइन इन्वर्स है, इसका जो मुख्य मान होता है माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये सब की दी है, ये PVB है तुम्हारी, PVB बोलो या रेंज बोलो, ठीक है। तो साइन इन्वर्स की PVB ये होती है, कॉस इन्वर्स की जीरो टू पाई भी हमने कर लिया, ऐसी टेन इन्वर्स का माइनस पाई बाय टू से प्लस बाय टू, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट का देख लेना आप, टेन इन्वर्स एक्स का भी यही है, कॉसेक इन्वर्स एक्स ये हो गया माइनस पाई बाय टू माइनस जीरो, कॉसेक इन्वर्स एक्स हो गया, ऐसी सेक इन्वर्स एक्स की ये है और कॉट इन्वर्स एक्स की PVB ये है। तो इन सब की हमने PVB वैल्यू आपको दे दी है, ठीक है। अब इन्हीं PVB वैल्यूज़ पर आधारित हम कुछ प्रश्न आगे आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 होगी, है ना। मुख्य मान निकालो, है ना, तो मुख्य मान इन्हीं के आधार पर निकालेंगे जो PVB हमें दिया है। PVB क्या होती है अब आपको पता है, क्योंकि पूरा अगर साइन इन्वर्स साइन एक्स फंक्शन में पूरे का हमारा प्रतिलोम नहीं बनेगा, साइन इन्वर्स केवल उसी का बनेगा जिसको हम काटेंगे, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक काट दिया, उसी का हमारा इन्वर्स बन सकता है, क्लियर है ना। वेरी गुड, चलो थैंक यू, आओगे चले।